लुधियाना के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सुखविंदर कौर की रिटायरमेंट पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके स्टूडेंट्स ने नृत्य और गीतों की प्रस्तुति की। इस अवसर पर प्रिंसिपल की रिटायरमेंट पर कई स्टूडेंट्स भावुक होते भी नजर आए और प्रिंसिपल डॉक्टर सुखविंदर कौर ने अपने कॉलेज से जुड़ी बातें हमसे साझा की। मैं डॉक्टर सुखविंदर, प्रिंसिपल जीसी लुधियाना, आज रिटायर होने जा रही हूँ। मैंने इस कॉलेज में जनवरी 88 में ज्वाइन किया था। 34 ईयर्स की सर्विस करने के बाद आज मैं रिटायर होने जा रही हूँ। मुझे इस बात की जहाँ पे खुशी है कि मैंने अपना मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम क्या, मैंने सारा अपनी वर्क लाइफ इसी कॉलेज में बिताई, तो जहाँ पे मुझे खुशी है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि वो इंस्टीट्यूट मेरी जो ज़िंदगी बन चुका था आज मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रही, चाहे मैं टीचर थी तब भी और जब मैं प्रिंसिपल थी तब भी, कि मैं अपना बेस्ट इस कॉलेज को दे पाऊँ, चाहे वो एज टीचर है या एज प्रिंसिपल है। जब मैं टीचर थी तो मैंने बच्चों के अंदर वो चेंजेस लाने की कोशिश की ताकि वो ज़िंदगी में एक बेहतरीन इंसान बन पाए। जब मैं प्रिंसिपल बनी तो मैंने टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए कोशिश की कि वो अब समाज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं वो दें। आफ्टरऑल कुदरत ने हम इंसानों को बेहतरीन इंसान क्रिएशन बना के भेजा है, और अगर हम ही इस समाज के लिए कुछ ना कर पाए तो और कौन करेगा। तो मैंने इस कॉलेज में सेवन एंड हाफ मंथ्स की कोई ऑलमोस्ट मेरी प्रिंसिपलशिप की टेन्योर है, लेकिन उसमें मैं जो करना चाहती थी वो मैंने कर दिया। तो मैंने मेडिटेशन पार्क बनाया है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। बच्चों के अंदर पोटेंशियल बहुत होता है लेकिन उसको रिलीज़ नहीं कर पाते, तो मेडिटेशन एक तरीका है, फोकसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने अंदर लेटेंट पोटेंशियल को बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने मेडिटेशन सेंटर बनाया ताकि बच्चे फ्री पीरियड्स में वहाँ पे आके मेडिटेट करें, कंसंट्रेट करें। उनको सिखाया भी जाएगा, ट्रेनर्स भी आएंगे, ताकि वो अपने अंदर के छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर निकाल सकें और जो ज़िंदगी में वो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकें। इसके अलावा फिज़िकल फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए एक्यूप्रेशर पार्क भी बनाया है, और कॉलेज में मैंने एक हाफ एन आवर की फिटनेस ब्रेक स्टार्ट की है सारे कॉलेज के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो वो 12:30 से 1 कॉलेज में अपने कमरों से बाहर निकल के ग्राउंड में आते हैं, कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी को करते हैं ताकि उनकी फिज़िकल फिटनेस बने। और जिस तरीके से ये कोविड-19 चल रहा है, ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि सर्वाइवल सिर्फ फिटेस्ट की है, कि आप अपने आप को फिट करो, फिज़िकली भी फिट करो और मेंटली भी फिट करो, ताकि आप ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पाओ। तो मेरी दुआएँ इस कॉलेज के एक एक बच्चे के लिए, स्टाफ के लिए, इस इंस्टीट्यूशन के लिए, कि ये हमेशा राइज करता है। स्टूडेंट्स को कोई मैसेज? स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ फिर से कि बच्चों, आप कुदरत की बेहतरीन क्रिएशन हो, उसने आपको अपनी इमेज में बनाया है, आप कुछ भी करने का हक दम रखते हो, और लेकिन ज़रूरत क्या है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान मत दो, आप अपने गोल्स को फिक्स करो। आप ये सोचो कि मुझे 5 सालों के अंदर क्या बनना है और उन गोल्स को हमेशा देखते रहो। मैं अक्सर जो 3 बातों की बात जो है बच्चों के साथ जो है वो 3 V's की बात करती हूँ, कि 1 V इज़ के वर्बलाइज, 2nd V विजुलाइज, 3rd वाइजलाइज, कि अगर आप अपने गोल्स को बोलते रहोगे, गोल्स के बारे में सोचते रहोगे, देखते रहोगे, तो कुदरत उसको आपको हासिल करने में पूरी मदद करेगी। Thank you.